वेलकम बैक टू ज्योति दामी ब्लॉग्स। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मेरे दिन भी अच्छे जा रहे हैं क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। आज हमारी कौन सी एनिवर्सरी है? आज हमारी तीसरी एनिवर्सरी है। हमें लग गया चौथा साल, 3 साल हो गए मेरी शादी के, मतलब हमारी शादी के। तुम्हें लग रहा है हैप्पी एनिवर्सरी? मुझे ना कल मैं खा गई थी चाची, अपने कपड़े लेने के लिए गई थी। चाची कहती है तेरे को सच में 3 साल हो गए। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने जल्दी 3 साल हो गए क्योंकि अभी अभी तो मैं जवान हुई हूँ। मेरी शादी अभी होनी चाहिए थी विनोद, तुम इतने जल्दी क्यों आए? तो आज है हमारी एनिवर्सरी और अब ये 8 बजे माल लेट उठ रहा है क्योंकि आज विनोद घर पे ही है। तो मम्मी भी उठ के आ गई है। मम्मी के तो दिया पाती सब हो गई है, हमें है लेट लतीफ। बस हमारे घर के बुढ़े ज्यादा एक्टिव है, जवान तो ऐसे ही है, खाली काम के ना काज के। मम्मी तो ना दो के टिक्का बिठा पूजा पाठ सब हो गई है मम्मी की। तो मेरा हो गया है नाना धोना और दिया बाती कर लेते हैं। मम्मी ने वैसे तो कर दिया, हाथ जोड़ के आती हूँ, टीका लगा के आती हूँ। और आज विनोद घर ही है तो एनिवर्सरी के दिन हम दोनों साथ में आरती करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने मंदिर पे और तो हमने कर लिया पूजा, टीका लगा दिया है, आशीर्वाद ले लिया भगवान जी से। अब करेंगे हम नाश्ता। नाश्ता नहीं हो रखा हमारा, बना के रखा है लेकिन कर नहीं रखा। तो हम हो गए हैं रेडी और हम निकल रहे हैं अभी घर से। मार्केट जाना है, थोड़ा सामान वगैरह लेके आना है, बाकी देखते हैं कहीं जाएंगे तो। हम लोग आए हैं अभी ऊपर वरदानी मंदिर के पास, थोड़ी देर हम यही धूप सेकेंगे। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है तो आज यहीं का कुछ टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कहीं और जाएंगे तो, बाकी फिर मार्केट जाना ही है। हाँ, मैं अभी पिथौरागढ़ के व्यू पॉइंट पे और यहाँ ना काफ़ी अच्छा बना दिया पूरा सेटिंग वेटिंग के लिए भी, छतरियाँ वतरियाँ लगा के मस्त। और क्या तगड़ा व्यू आता है यहाँ से पिथौरागढ़ का। धूप सेकेंगे थोड़ा, सेक लिए थोड़ी धूप, अब थोड़ा गर्माहट हो गई है। अभी हम ऊपर पे चले 1960 और वहाँ कुछ खाएंगे हम। यहाँ हमने कुछ ऑर्डर नहीं करा क्योंकि कुछ खास ऐसा था नहीं जो हम खाएं, तो ऊपर देखते हैं और मिलती हूँ 1960 पहुँच के। तो हम पहुँच गए 1960, यहाँ पे बैठ गए हम धूप में। यहाँ पे पूरा खुला खुला है ना, तो बैठने के लिए सही है। इधर हर्ट्स वगैरह बनी हुई है तो आराम से बैठ के खाओ यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच गए हैं घर और खाने पीने में ना आज हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा क्योंकि हम लोग आज गए थे 1960 और हमने जो भी ऑर्डर करा था ना मज़ा नहीं आया बिल्कुल। तो हम लोग आ गए वहाँ से वापस घर और अभी बज गया है शाम का 4। अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। घर पहुंचने के बाद में मैं पूरी तरीके से भूल गई थी मेरी एनिवर्सरी भी है करके और मिस हो गई। तो अभी ना जल्दबाजी में ऐसे आज मैंने कुछ ज्यादा डेकोरेशन वगैरह भी नहीं कर रखा है और बाकी बच्चे बच्चे आज मैं बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। बाकी मैंने हल्के से यहाँ पे बलून लगा दिए और मैं केक काट दूंगी बस हो गया। आज कुछ ज्यादा नहीं है। टिक्का मीठा हमने लगा दिया है और मेरे छोरे छोरियां भी आ गए। अब हम काटेंगे केक। आओ ना, आ जाओ।
हेलो काशु ऐसे नहीं यहाँ दे जी कर जे कर हाथ जोड़ खुले तो केक काटने के बाद में कपड़े चेंज करके हम आ गए किचन में और हम बना रहे खाना खाने पीने की तैयारी खाना पीना ना हमारा हो चुका है बाकी सब लोग सो गए हैं और हम दोनों देख रहे हैं अभी मूवी है ना पिक्चर देखेंगे हम थोड़ी देर उसके बाद सोएंगे।